Wir nehmen ein bisschen Grammatik. Was ist? Also, welche neue Grammatik habt ihr gelernt in B1? Wir haben K2 gemacht. Und wir haben bevor und nach dem gemacht. Wir haben modal perfekt gemacht. Wir haben lassen und brauchen plus nicht. Plus nicht. Plus zu. Modal. Lust, Negation. Bis jetzt haben wir das gemacht. Jetzt nehmen wir auch noch einige Semimodalverben. Semimodal-Verbs. Lassen haben wir schon genommen. Lassen. Aber helfen, hören und sehen. Das sind auch semimodal Verben. We take these four verbs as semimodal verbs. Wir sehen sie eigentlich immer wieder. So, lassen, ließ gelassen. Na? Lassen, ließ gelassen. Helfen. Half geholfen, hören, hörte, gehört, sehen, sah. Gesehen. Das können wir natürlich so nehmen, aber wenn man semimodal Verbs sagt, das bedeutet डुपल इन्फिनेटिव. अगर इनको आप एज ए सेमी मॉडल वर्ब यूज करोगे तो फिर तो ये वाले की बजाय तो डबल इन्फिनेटिव के तौर पे काम में लोगे आप इसको, राइट? जैसे एक तो है इस हेल्प डियर, एक है इस हेल्प डियर आउट ऑफ हॉर्न. ध्यान से देखना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं. Ich helfe dir Auto fahren. Auto fahren तो मतलब कार चलाने में ना. Ich helfe dir lernen. Ich helfe dir pizza backen. ये भी अपने आप में एक वर्ब होगी. इश हेल्प डियर गेहन. गेहन का मतलब चलना भी तो होता है, जाना तो होता ही है, चलना भी होता है. मैं तेरी चलने में मदद कर रहा हूं. हो सकता है वो चल ही नहीं पा रहा वो बंदा. सो इश हेल्प डियर गेहन. यस. सो हियर हेल्फन, व्हेन वी टेक हेल्फन एज सेमी मॉडल बिफोर सेकेंड वर्ब यू वॉन्ट यूज सू. अंडरस्टूड? एंड दीज फोर पॉसिबिलिटीज फॉर यू आर मीन्स यू कैन यूज दीज फोर एज सेमी मॉडल वर्ब्स. वेन यू से इश हेल्प डियर गेन, वट विल बी प्रिटेरिटम? इश हाल्फ डियर गेन प्रिटेरिटम. And present perfect would be ich habe dir, ich habe dir gehen helfen. ये तो सेमी मोडल वर्ब्स हैं, मतलब लाइक मोडल वर्ब्स. थोड़ा सा अजीब लगेगा चीज एक्सेप्ट करने में, अबर
In modal verb haben wir das schon gesehen. Zum Beispiel, ich kann Yoga machen. Präteritum? Präteritum habe ich gesagt. Sunnah dhyan se. Ich konnte Yoga machen. Okay, it's all here, Simon. Ich kann Yoga machen. Präteritum. Ich konnte Yoga machen. Perfekt. Ich hatte कहाँ से आ गया? Ich habe Yoga machen. Yoga machen können. प्रेजेंट परफेक्ट मोडाल का हमने सीखा तो मोडाल वर्ब जो थी इन्फिनिटिव बन के लास्ट में आ रही थी एज इट इज एंड ऑन सेकंड पोजीशन वी यूज हैबन एंड व्हेन आई से दीज फोर आर आल्सो मोडाल वर्ब्स यू कैन कॉल देम सेमी मोडाल वर्ब्स सेमी मोडाल का मतलब है दे आल्सो हैव द सेम पावर लाइक मोडाल वर्ब्स मीनिंग तो जो है वही होगा ऑफ कोर्स बट दे हैव दिस कैपेसिटी यहां पे मुडाल वर्ब जो है वो लास्ट में आ रही है एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में एंड ऑन सेकेंड पोजिशन वी हैव हबन हियर ऑल्सो यहां पे मुडाल वर्ब कौन सी है हेल्फन है अब आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है हेल्फन कब से मुडाल वर्ब होने लगी अब से होने लगी आज से ओके दास जुल्टन वी आर लर्निंग जो हेल्फन Wie modal verb kommt am Ende. Und am zweite, an der zweiten Position haben wir haben. Klar? Okay. Kisi ko samajh na aaya ho to phir se pooch sakte hain. Manish, is das okay? Gajend? Iska arth kya niklega? Ich helfe dir. Gain ka matlab hai, main tumhari jaane mein madad kar raha hoon. Dusre is half dear. गेन का मतलब है मैंने तुम्हारी चलने में मदद की थी और थर्ड का मतलब है मैंने तुम्हारी चलने में मदद कर दी है या कर चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट का जो मतलब निकलता है वही निकलेगा विवेक समझ आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में मुडाल वर्ब जो है वो लास्ट में जा रही है इन्फिनिटिव बन के और ये चार भी हम लोग मुडाल वर्ब की तरह काम में लेते हैं ले सकते हैं तो ऐसे ही करेंगे जैसे सपोज ह्योरन मैं तुमको आते हुए सुन रहा हूं तुम आ रहे हो मैं तुमको सुन रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा इश ह्योरे डिश ह्यूरन इश ह्योरे डिश कॉमन इश ह्योरे डिश कॉमन इश ह्योरे मतलब तुम आ रहे हो तुमको इतनी बार सुना है मैंने मैं सुन के ही बता देता हूं ये तो रवि है ये तो दिनेश है ये तो गंगा सिंह है राइट कहूं कि चाल से या चप्पल जो बजा के चलते हैं या जो भी है आदत उनकी इश ह्योरे डिश कॉमन प्रिटेरिटुम इश ह्योरे डिश ह्योरे परफेक्ट इश अबे डियर दिस कॉमन योर इस हाबे डिश कॉमन योर जैसे इस हाबे डिश कॉमन है मैं ये भी कह सकता हूं इस योर डिश कॉमन है फर्स्ट वाला आई कैन आल्सो से इस योर डिश जिंगन इस योर डिश लर्नन आवाज आ रही है तुम पढ़ते ही जोर जोर से हो इश्योरे डिश लर्नन इश्योरे डिश फ्रागन इश्योरे डिश कोखन तुम तो बर्तन बजाते हो पूरे मोहल्ले को पता चलता है इश्योरे डिश श्राइन इश्योरे डिश तंसन
Is your dish music here? Okay. Jay, I see you going. Is Z gain? तो क्या गेहन के साथ हाबे लगेगा? इश हाबे डिश गेन जेन ये है ना मजा इश हाबे डिश गेन जेन मुझे पता था आपको पूरा मजा आएगा बीवन में इश हाबर डिश गेन जेन सब समझ में आएगा आपको मस्त रहो आप केवल चार वर्ब ध्यान रखनी है दीज फोर वर्ब्स आर सेमी मोडल वर्ब्स तो इनको आप एक तरह से रेयर स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो कमी दिखते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर बट वी शुड नो व्हेन वी सी देम इन सम टेक्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड इश हाबर डिश गेन जेन इश हाबर डिश दस एसन कोखन इश हाबर डिश दस एसन कोखन जेन हाँ समझ गए ना आप मैंने देखा दस एसन तो खाना हो गया फूड हो गया तो फिर मैंने दस एसन कोखन जेन इश हाबे इश हाबे डिश दस एसन कोखन जेन आया मजा अब कई लोग कह रहे हैं सर मजा नहीं आया बट आएगा उनको भी आएगा इसको समझने की कोशिश कर लो बस चार वर्ब लर्न करनी है इन सबको तो छोड़ो आप तो ये बताओ वर्ब हैं कौन कौन सी लासन हेल्पन रोरन लासन हेल्पन तो लासन तो अपन ने पहले ही कर ली थी हेल्पन है और ऐसे समझ लो दो सेंसेस हैं सेंस का मतलब सुनना और देखना आंखों से सुनते हैं तो ये सेंस है अपना आंखों से नहीं सुनते आंखों से तो देखते हैं राइट कानों से सुनते हैं क्लार ओके अलर्ट तो पूरे रहते हो तुम फिर कहते हो समझ नहीं आया